वह हैलन ही हाइट है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हैलन क्या, हालत क्या है, यानी तंदुरुस्ती, ठीक है ना। आप इससे पहले क्लास में आए नहीं है, तो हेल्थ एंड हाइजीन, जो हाइजीन का मतलब है क्लीननेस ऑफ अ पर्सन, मतलब खुद की सफाई। इससे आपको क्या मिलेगा, अगर आप खुद साफ रहोगे तो इससे क्या मिलेगा, इससे आप स्मार्ट लगोगे, सिंपली आप पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे पाओगे, ठीक है ना। तो आप जो भी काम करोगे वो अपना 100% आप देंगे इसमें, ठीक है ना। फिर है सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब क्लीननेस ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट को क्लीन करना, ठीक है ना। कैसे हम अपना जो सराउंडिंग है वो साफ रखना, तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैं बता मुझे डेफिनेशन जो याद होनी चाहिए हाइजीन के हिसाब से ले चुकी है। लेकिन ये सब चीजें हमारी लाइफ में आएंगी कैसे, जब हमें खुद का कुछ पता हो, जब हमें खुद के बारे में कुछ पता हो, जब हमें पता हो कि अगर हम ये खाना खाएंगे तो क्या, मतलब इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, ये खाएंगे तो इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। बैलेंस डाइट क्या होता है, ठीक है ना। ये चीजें हमें पता होगी कि हमारे फूड में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना। हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, वो सारी चीजें हमें अगर इसकी कॉम्बिनेशन हमें पता हो तभी तो हम खा पाएंगे। जब हमें पता ही नहीं हम खाएंगे वही जो जिसमें सारा फैट्स होंगे तो हम फैट ही लगेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए जो पहली बात मैं जो यहाँ पे आपको बताना जा रहा हूँ वो है कुछ बेसिक्स। मैं पहले स्टार्ट करूंगा सेल से। अब ये सेल होती क्या है, देखो अगर हम दुनिया की बात करेंगे तो दुनिया एटम से बनी हुई है। ये पूरी जो वर्ल्ड है, ये जो पूरी जो पृथ्वी है, ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरी ब्रह्मांड किसे बना हुआ है, ये एटम से बना हुआ है। एटम जब फॉर्म होते हैं ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स फिर हमें चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि ये बोर्ड्स हैं। अगर हम इस बोर्ड को हिस्सों में बांटेंगे, थाउजेंड टू मिलियंस इनफिनिट से करेंगे, तो हमें एक ही जो यहां पर मिलेगा दैट विल बी द एटम, तो वो एटम होगा। बट जस्ट लाइक एन एटम, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक टिनी यूनिट्स एंड दीस टिनी यूनिट्स आर नोन एज सेल्स। जो इंसान है, जो जानदार है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर इनके हम हिस्से करेंगे या अगर हम विद द हेल्प ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होंगे होते हैं, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल होता है, तो अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें क्या पहले दिखेंगे, सेल, ठीक। अगर जब हम ये सेल जैसे कि एटम्स हमारी को डिस्क्राइब करते हैं, तो सिंपली जब ये सेल आपस में मिल जाते हैं ये टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो व्हाट इज टिश्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, टिश्यू इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब ये सेल्स कंबाइन होते हैं ये फॉर्म करते हैं टिश्यू, और टिश्यू जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं दे फॉर्म ऑर्गन। और ऑर्गन का मतलब अब हमारा एक हिस्सा जो है वो आ गया, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम मां की को की बात करके एम्ब्रियोनिक सिस्टम, ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक सिस्टम में फालंसिता से जो होता है जहां से हमें गुजा मिल जाता है, ठीक है ना। अगर हम वहां की बात करें, एम्ब्रियो सिस्टम की बात करें, तो वहां पे हमारे अलग अलग आईज बनते हैं, हमारी नोज बनती है, हमारे ईयर्स बनते हैं, दैट इज ए पर्टिकुलर। अगर हम पर्टिकुलर एक चीज की बात करेंगे, आई की बात करेंगे, दैट्स ऑल। अगर हम बाजू की बात करेंगे, दैट्स दैट इज सेकंड ऑर्गन, दैट मींस कि ऑर्गन का मतलब जब ये टिश्यू फॉर्म होते हैं। अब टिश्यू कैसे फॉर्म होते हैं, क्या ऐसी क्या होता है, जब सेल जब ये टिश्यू क्या होते हैं, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, और जब ये पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं तभी वो ऑर्गन बन जाते हैं। मतलब हमारा आई है, ठीक है ना, आईज आईज का काम है देखना, और थोड़ी इसमें कोई ईयर का भी मतलब सेल हो जाएगा तो इसका तो अलग हो जाएगा ना फिर। तो जब ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए तैयार हो जाता है तभी ये आर्गन बन जाता है, ऐसे रैंडम नहीं, ठीक है ना। तो ये बन जाता है हमारे पास आर्गन, और आर्गन जब आपस में मिल जाते हैं क्या बना दे, ऑर्गेनिक सिस्टम। और ऑर्गेनिक सिस्टम मतलब हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम तैयार हो गए, हमारी आईज भी तैयार होगी, हमारी नोज भी तैयार होगी, हमारे ईयर्स भी तैयार हो गए, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक सिस्टम जब फॉर्म हो जाते हैं दैट फॉर्म्स बॉडी, बॉडी का ऑर्गेनिक्स। तो ये हमारे बेसिक, हम कहां से आते, तो आपको डिफरेंट यहां पर चीज मिलेंगे अगर आप पढ़ोगे। मैं डीपली
नहीं पढ़ना है इसके अलावा, मतलब इससे ज्यादा। तो सेल की अगर हम बात करेंगे, सेल में शिंदा एंड शिवान आया था, शिवान ने बताया कि जो प्लांट्स जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे आर फॉर्म बाय द सेल्स एंड अ प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स कॉल्ड द टिश्यू, ठीक है। फिर शिंदा आया था, शिंदा ने ये बोला था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कनेक्टर है प्लांट्स में, जो एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आया था ब्रिटॉफ रिको, तो ब्रिटॉफ रिको उसने क्या बोला था, इसने ये बोला था 1969 में, उसने ये बोला था कि लिविंग जो सेल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स यानी ओनली सेलुलर, ये बताया था। तो ये था बेसिक जो हमें सेल में पढ़ा, जो हमने सेल में पढ़ा। तो अब सेल्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहां पर हम नहीं जाएंगे। जैसे हमारे पास होते हैं सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे पास आपने सुना होगा हमारे पास होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना, हमारे पास होता है माइटोकांड्रिया, ठीक है ना, हमारे पास होता है जो ये भी बेसिक है, इसमें से जो अंदर हम देखेंगे तो हमारे जो फॉर्म होते हैं वो डीएनए आरएनए से बने हुए होते हैं। अब डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमें देखना है कि हमारे जो बॉडी है ये कैसे फंक्शन करती है, ठीक है ना। ये बेसिक हमें पढ़ना है एनसी में, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा एनसी में एग्जाम, क्योंकि हमारा जो ए सर्टिफिकेट के लिए लेक्चर है, तो फिर मैं बताऊंगा आपको मतलब जो आने वाला पेपर होगा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे पहले, ठीक है ना। हमारे पास बेसिक 5-6-7 सिस्टम है, लेकिन आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट है हमें वही लिखेगा। तो दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, अमंग दोस। इसके अलावा हमारे पास स्कलर सिस्टम होते हैं, जैसे बोन्स होते हैं, जैसे रिब्स होते हैं हमारे पास, थंब, जैसे लिम्ब्स होते हैं हमारे पास, 30 लिम्ब बोन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे स्कलर सिस्टम में अलग अलग सिस्टम होते हैं। रिब्स में हमारे 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, और थॉरेक्स है, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल्स वो अलग सा टॉपिक है, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो मतलब वो अलग स्कलर सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास होता है नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम भी हमारे पास होता है, ठीक है ना। तो नहीं पढ़ेंगे हम, तो हम देखिए पहले सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आते हैं, तीन चीजें आती है, जहां मैंने ये शायद दो ही लिखी है, मैंने ऐसे ही लिखा है। तो तीन चीजें आते हैं, एक हमारे पास आता है हार्ट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा आता है ब्लड, तीसरा आता है वेसल्स, ब्लड वेसल्स या वेसल्स। तो वेसल्स में हमारे पास तीन किस्म के वेसल्स होते हैं, दैट इज पहले हमारे पास होते हैं आर्टरीज, कैपिलरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। आर्टरीज मींस दैट कैपिलरीज, या आर्टरीज कैपिलरीज एंड वेंस एंड सेल, ठीक है। तो हार्ट का मेन फंक्शन है वो है टू प्यूरीफाई ब्लड, ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम किडनीज का, हार्ट का ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम, जो वो एक्सक्रीट प्रोडक्ट में आता है वो मतलब दूसरा कुछ नहीं करता है। तो हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो है टू प्यूरीफाई द ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम, किस पर, अगर वो मतलब ऐसे बना होना हार्ट, फिर हार्ट को अलग अलग से डिफाइन करो। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बताया, जैसे अभी बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आर्टरी, जैसे हमारे पास आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज में बोलता हूँ डायरेक्ट, आर्टरी जो है उसका जो फंक्शन है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना, लेकिन यहाँ पे एक्शन जो है परमानेंट आर्टरी, दैट्स आरोटा जिसको हम बोलते हैं, तो वो लिंक हो जाएगा। तो हार्ट का मैं पढ़ाऊंगा तो वो एक हफ्ते लगेगा। ओके सर, तो प्यूरीफाई का प्यूरीफिकेशन ऑफ ब्लड किसका फंक्शन है, यहाँ पे मैंने लंग एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारे पास हार्ट होता है, इसमें कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल, और जो ट्राइकोसिस वॉल होता है बिटवीन राइट आर्टरी एंड वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो बाइकोसिस वॉल होते हैं लेफ्ट आर्टरी एंड वेंट्रिकल। तो मेल का हार्ट कितना होता है, 200 ग्राम, 250 ग्राम, ठीक है। तो हार्ट राइट
जो है राइट साइड में वो इम्प्योर ब्लड रहता है और लेफ्ट साइड में रहता है प्योर ब्लड की अब ब्लड ठीक है ना। ये तो हार्ट का फंक्शन, अब आया समझ हार्ट का फंक्शन जो भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो हमारी हर एक बॉडी पार्ट से पहुंचा रहा होता है ये किससे जाता है थ्रू ब्लड ये जाता है ब्लड से। तो ब्लड में हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन एरिथ्रोसाइट ठीक है ना लिकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। अब हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड का कलर होता है व्हाइट जो कलर ये जो हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है रेड होता है ठीक है ना। तो रेड कलर ऑफ ब्लड जो है दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लोबिन इन आवर बॉडी हीमोग्लोबिन ठीक है ना हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। इसके बाद रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं जो हमारे पास 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बॉडी तक पहुंचता है विद हेल्प ऑफ आरबीसी और 3% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से निकलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आरबीसी 0.3% प्लाज्मा में वो नहीं बराबर सिंपल। इसके बाद है डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी क्या है जो हमारे पास इन्फेक्शन होता है वायरल इन्फेक्शन इसको प्रोटेक्शन करने के लिए जो हमारे पास जैसे कि मतलब हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम में हमारे पास होते हैं। अब डब्ल्यूबीसी क्या डब्ल्यूबीसी में भी अलग अलग प्रकार के डब्ल्यूबीसी हैं जैसे ग्रैनोसाइट्स हैं एग्लोनोसाइट्स हैं फिर एसोलोफिल्स हैं न्यूट्रोफिल्स हैं ठीक है तो अलग अलग है। तो सब आप ये रख सकते हो कि कोई भी बीमारी को रेजिस्ट करने के लिए हमारे जिस्म में जो अपनी खुद की जो मैकेनिज्म होते हैं दैट इज डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जब भी हमें ब्लड आ जाता है ठीक है ना तो वहां पे क्या हो जाता है एक क्रिएट होता है क्लॉटिंग होता है तो क्लॉटिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स में भी तीन प्रकार के होते हैं जैसे थ्रोम्बोब्लास्ट होता है तो अपना ब्लड वेसल्स तीन प्रकार के होते हैं। एक है हमारे पास आर्टरीज। आर्टरीज का सिंपल ही आप फंक्शन याद रख सकते हो इसका मेन फंक्शन है कि ये प्योर ब्लड कहां तक लेके जाता है हर एक बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है। तो वीनस का वीनस जो है इसका फंक्शन है ये इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट यानी फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट लेके आता है। इसके अलावा है फिर कैपिलरीज। कैपिलरीज ये ब्लड रक्त जो हमारे पास टिनी मतलब टिनी ये होते हैं वेसल्स उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज ठीक। इसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है ना। अब डाइजेशन किसको बोलते हैं फूड को एब्जॉर्ब करना उस एनर्जी उससे फॉर्म करना बॉडी के अंदर डाइजेशन इज डिफरेंट जो भी एनर्जी है वो ब्लड में रिलीज होकर एब्जॉर्ब करना है तो उसके अलावा जो भी एक्स मतलब वो और भी कंपोनेंट्स होते हैं फूड के उनको बाहर निकालना होता है। देखो वैसा नहीं ठीक नहीं वैसा नहीं बताया। देखो हमारे पास क्या होता है जब हम अपनी बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे तो हमारे पास पहले होता है इंजेक्शन एंटी का उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन हजम को नहीं कहते डाइजेशन डिफरेंट डाइजेशन। इसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन असिमिलेशन फिर एक्सक्रीशन। तो जो डाइजेशन है हम जो गुजा खाते हैं इसको सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड है इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने को क्या बोलते हैं डाइजेशन। हजम नहीं बोलते दैट्स एब्जॉर्प्शन ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट जो है मेन पार्ट है जैसे हमारे पास स्टोमक है जैसे हमारे पास है ठीक है ना एपिग्लाइट्स याद में आ सकता ठीक है ना। तो हमारे पास स्टोमक है स्टोमक के तीन पार्ट्स हैं ठीक है ना फैटी कैलोरिक ठीक है ना। तो स्टोमक के तीन पार्ट है। इसके बाद हमारे पास इंटेस्टाइन आता है ठीक है ना। इसके बाद इंटेस्टाइन आता है ठीक है। तो रेक्टम एक्टम सारा कुछ जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। इसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्हाट इज रेस्पिरेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ब्रीथिंग दैट इज डिफरेंट थिंग फ्रॉम ऑक्सीजन दैट इज डिफरेंट थिंग फ्रॉम ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन ब्रीथिंग ऑक्सीडेशन प्लस ब्रीथिंग दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन प्लस ब्रीथिंग
ब्रीथिंग जनरल ब्रीथिंग जो हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं दैट इज जब डायाफ्राम ऊपर नीचे हो जाता है डायाफ्राम ऊपर नीचे हो जाता है जैसे ठीक है ना. अब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे हमारे पास ट्रे क्या है ठीक है ना एल्वेओलाई होते हैं एल्वेओलाई जो हमारे पास होते हैं एल्वेओलाई का मेन जो फंक्शन है एल्वेओलाई जो है ये स्टोरेज यूनिट जिसकी जहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ये मतलब ऑक्सीजन हां अच्छी मात्रा में है आप बुक से देख सकते हो आराम से हमें कहां मिला है यहां ठीक. तो इसके बाद आ रहा है हमारे पास नर्वस सिस्टम. एक नर्वस सिस्टम जो मैन हमारे पास है सीएनएस पीएनएस ईएनएस ठीक है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सीएनएस हमारे पास है जैसे वेन स्पाइन कॉर्ड्स में आते हैं फिर एएनएस पीएनएस ठीक है. तो इसके बाद हमारे पास है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन सिस्टम में देखो हमारे पास है अमोनिया. अमोनिया जो है ये टॉक्सिक होता है ठीक है ना. टॉक्सिक जो है वो कौन सा है अमोनिया. तो सोचो एक्वाटिक एनिमल्स है एक्वाटिक वो एनिमल्स जो कहां पर रहते हैं पानी में ठीक है ना. तो वो क्या करते हैं उनको हम बोलते हैं एमिनोट्रिलिक ठीक है ना. वो क्या करते हैं फॉर्म अमोनिया ठीक. ऐसी बात है यूरिया. यूरिया कौन ह्यूमन बींग्स जो हम जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है यूरिया. और फिर है यूरिया तो डैट्स टैक्स जो एनिमल्स क्या करते हैं फॉर्म करते हैं. अब यहाँ पे जो एक्सक्रीशन सिस्टम में आते हैं वो किडनी आती है मैं ठीक है. किडनी के अंदर अगर हम देखेंगे तो किडनी के अंदर क्या होता है जो ग्लोनस ट्यूबुलस उसको क्या बोलते हैं नेफ्रॉन. नेफ्रॉन्स न्यूरॉन होते हैं इसमें नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन इसमें एग्जॉन्स होते हैं डेंड्राइट होते हैं. तो इसके अलावा जो उसमें हमारे पास नेफ्रॉन जैसे हमारे पास होते हैं बीसीटी होते हैं डीसीटी होते हैं. तो ये आज का लेक्चर है. तो बने रहे हमारे के साथ.